माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव के अगले सेंटेंसेस, लेट से शुरुआत होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो रही हो, ऐसे सेंटेंस को पहले हम समझते हैं। लेट के बाद सेंटेंस में हिम लिखा हुआ है, लेट हिम प्ले क्रिकेट। यहाँ इस सेंटेंस में जो हिम को इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना गया, ये हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्रिकेट यहाँ का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए लेट का जो प्रयोग सेंटेंस में हो रहा है वो एज इट इज़ होगा, लेकिन इस लेट के जस्ट बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या हम इसे सब्जेक्ट के रूप में अर्थात लेट के जस्ट बाद यूज करेंगे। लेट क्रिकेट के बाद में बी प्ले की पार्टिसिपल फॉर्म जो हर एक पैसिव वॉइस में होती है प्ले, और इसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, इसे बाई लगाकर यहाँ यूज करेंगे, बाय हिम, बाय हिम। तो सेंटेंस हमारा बदला, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। अर्थात हमने क्या किया है, जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है तो उसमें लेट का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग लेट के जस्ट बाद करते हैं। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट वाला सेंटेंस जब हमने पैसिव में बदला तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को बदला है। इसी प्रकार का सेंटेंस नेक्स्ट है, लेट हर मैक टी, लेट हर मैक टी। इसी सेंटेंस में भी लेट के बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो हम सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के जस्ट बाद लिखेंगे। तो लेट टी टी बी मैक के पास पार्टिसिपल फॉर्म मैड, टी बी मैड बाय, मैड बाय हर, लेट टी बी मैड बाय हर। इस प्रकार से हमने इन दो सेंटेंस को, जो लेट वाले सेंटेंसेस है, इन्हें हमने क्या किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लेट के जस्ट बाद यूज किया है। तो हमारे आरबीएसई के पैटर्न में आज तक जो हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जितने सारे सेंटेंसेस पढ़े वो पैटर्न में कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे गए। इन सेंटेंस को आप नोट कर दें, लिख लें। फिर हमने जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में शुरुआत से जो सेंटेंसेस बदले, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी, उन्हें हम एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में शुरुआत में सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियमों को डिस्कस किया था। असर्टिव सेंटेंस से हमने शुरुआत की थी। असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि हम
बेसिक नियमों से पढ़ रहे थे, इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखा जाता, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने असर्टिव सेंटेंस को हमने शुरुआत से एक्टिव से पैसिव में बनाने के नियम डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने असर्टिव के जितने जो टेंसेस के आधार पर हमने डिस्कस किया कि चार टेंसेस के जनरली है वो इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव से पैसिव अर्थात पैसिव इनके नहीं बनाए जाते, तो चार टेंसेस को हमने अलग कर लिया। चार टेंसेस में हमने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर कंटिन्यूज एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। तो इस प्रकार से हमने इन चारों को अलग कर दिया। इसके बाद में जो आठ टेंस थे उनके हमने वन बाय वन करके सारे सेंटेंस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, उसके बाद में हमने सिंपल पास्ट को पढ़ा, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ा, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट को पढ़ा और उसके बाद में सिंपल फ्यूचर और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार से हमने आठ टेंसेस को वन बाय वन करके सारे जो सेंटेंसेस पॉसिबल थे हमने उन्हें एक्टिव से पैसिव में बदला। और असर्टिव के बाद में हमने जो सेंटेंसेस जो डिस्कस किए थे वो थे मॉडल वाले सेंटेंस, कि मॉडल वाले सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जाता। उसके बाद में मॉडल के बाद अगर है और पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बदलते। उसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखा। और इनके बाद में जो सेंटेंस हमने पढ़े वो थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना हमने सीखा। इंटरोगेटिव के बाद में WH वर्ड वाले सेंटेंसेस, और WH वर्ड वालों में भी हमने हु और हुम को अलग से भी पढ़ा। उसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने को हमने सीखा। इम्पेरेटिव में जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस जो फॉर्मेट में यूज होते हैं हमने चार से पांच प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं उन्हें हमने समझा। पहले वाले सेंटेंसेस हमने जो इम्पेरेटिव के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हमने पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। उसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने पैसिव में बदलना सीखा। उसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर वाले सेंटेंस है उनको, और इनमें भी प्लीज और काइंडली का प्रयोग वाले सेंटेंसेस, और इनके बाद में लेट के प्रयोग वाले सेंटेंसेस। इस प्रकार हमने वन बाय वन करके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा। जो सेंटेंसेस पॉसिबल है, जिस प्रकार के सेंटेंस हमारे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में और RBSE के एग्ज़ाम में विशेष पूछे जाते हैं उन सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया। आप इस टॉपिक का हमारे जो RBSE की जो बुक है जो गोल्डन रेज नाम से चलती है तो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, आप एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व करें। एक्सरसाइज में जो बुक के लास्ट में पेज नंबर 182 पे इसकी पूरी एक्सरसाइज दे रखी है, आप अच्छे से इन्हें सॉल्व करें समझें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। सारे सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से जिन वीडियोस में हमने पूरे जो इसके सेंटेंसेस जो पॉसिबल थे सबको वन बाय वन करके बनाया, इसको आप जो बोर्ड पे लेट वाले सेंटेंसेस है इनको उतार दें, लिख दें।
अब हम अगले वीडियो में जो हमारे ग्रामर में नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक तक हमारा एक्टिव हैंड पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस पूरे हो चुके हैं। ग्रामर की पूरी सीक्वेंस हमने शुरुआत जो टेंसेस से की थी और हम वीडियो नंबर फर्स्ट से चल रहे 64 वीडियो हमारे पूरे ग्रामर की सीरीज में हो चुके हैं। यानी आप सीक्वेंस से देखें, अच्छी तरीके से समझे। कल से जो हम टॉपिक जो पढ़ेंगे अगला, वो हमारी ग्रामर में जो नया टॉपिक जो भी रहेगा उसे हम लेंगे। इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू।